हूँ प्यार तेरा महसूस कर तू सीने में तेरे उतरा हूँ मैं चूके मुझे तू पहचान लेगा लम्हा तेरा ही गुजरा हूँ मैं आँखों में तेरी ये रात है जो। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या करना है। और इस वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप नीचे जाकर ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना है क्या है, क्रिएट न्यू दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड नंबर वाला जो रेशियो है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से फिल कर लेना, ठीक है। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो गाइस, अब आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, यहाँ से जाना है मीडिया पे, और यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से टोटल 8 इमेजेस आपको यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से इमेजेस को ऐड कर लेना, तो यहाँ से 8 इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने यहाँ से टोटल 8 इमेजेस को ऐड कर लिया, तो आप भी यहाँ से 8 इमेजेस को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है लेयर पे और यहाँ जाएंगे मीडिया पे, और यहाँ से अब आपको क्या करना है कि एक फुल स्क्रीन बाउंड्री ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बाउंड्री को भी यहाँ पर ऐड कर लेता पहले। तो गाइस, आप देख सकते हो ये वाला मैंने फुल स्क्रीन बाउंड्री वाला यहाँ पर ऐड कर लिया। इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से उसको फुल स्क्रीन करेंगे, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना, नीचे जाना ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, और इसको यहाँ से स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद आपको जिसका ड्यूरेशन बढ़ा लेना, जहाँ तक आपका पूरा इमेजेस है ना, आपको यहाँ तक इसको इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट इमेज पर आप आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक आपको एक यहाँ पर दिख रहा होगा, एक यहाँ पर एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से एक आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैप्चर एंड सेव, इस पर क्लिक करना है। तो इसे जो आपका यहाँ से इसका जो हम लोग यहाँ से फोटो जो है यहाँ से हम कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद आपको इसी तरह से जितना इमेज आपको इसी तरह से आपको सिंपली उस पर आना है और इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से इसको कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करके इसको कैप्चर कर लेना, ठीक है। सारे फोटो की जितनी भी आठ इमेज हैं उसको इस तरह से आपको कैप्चर करना है, ठीक है। फिर अगले इमेज में जाएंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे जो हमारा इमेज है यहाँ से कैप्चर हो जाएगा। फिर अगले इमेज में करेंगे, फिर यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करके इसको इस तरह से कैप्चर कर लेंगे। तो सारे फोटो को मैं फटाफट से कैप्चर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस, सब इमेज को कैप्चर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना, ठीक है। बैक आने के बाद आपको फिर से क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से सेकंड नंबर वाला जो रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से फिल करना है। उसके बाद आपको फोटो ड्यूरेशन है जो यहाँ से आपको 2 सेकंड कर लेना है, ठीक है, 2 सेकंड। इस पर आके इसको सेट कर देना अच्छे से, ठीक है। करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको फिर से जाना है मीडिया पे और यहाँ से जाएंगे इमेजेस पे और यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको क्या करना है कि आपको 10 सेकंड तक इसका जो ड्यूरेशन बढ़ा लेना है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर मैं इसको 10 सेकंड तक यहाँ पर रख दिया हूँ, देख सकते हो यहाँ पर 10 सेकंड तक हम इसको रख दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे कि आपको जाना लेयर्स, फिर से जाना मीडिया पे और यहाँ से जितने भी हमने इमेज कैप्चर किए जाए, तो यहाँ से आप जाना और यहाँ से जितने भी आपके कैप्चर वाले इमेजेस हैं यहाँ पर सब ऐड कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ से फटाफट से सबको ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने यहाँ से जितने भी हमारा कैप्चर वाला इमेजेस था सब मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से लिरिक्स वीडियो ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिरिक्स जो वीडियो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने यहाँ से लिरिक्स वीडियो ऐड कर लिया। इसको कुछ आपको थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से नीचे जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, इसको स्क्रीन करना है सिंपली। स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और नीचे से फिर से एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर क्लिक करना है तो आपका म्यूजिक जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर स्टार्टिंग पे आना, जहाँ से आपका फर्स्ट जो यहाँ से इमेज स्टार्ट होता है यहाँ पर आना है और आपके लिरिक्स पे क्लिक करना है, कैंची पे जाना और उसको बीच से स्प्लिट कर लेना, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और आपको जो लिरिक्स है इसको यहाँ पर नीचे लाके इसको कुछ इस तरह से रख देना, ठीक है। रखने के बाद अब आपको गाइस यहाँ पर जो है क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्लिप ग्राफिक किस तरह से ऐड करना है। तो आपको फर्स्ट इमेज पर जाना है और यहाँ जाना है क्लिप ग्राफिक पे और आपको यहाँ पर एक क्लिप ग्राफिक मिलेगा रोटेशन। तो गाइस, ये वाला क्लिप ग्राफिक आपको कैनमास्टर के अंदर नहीं मिलेगा, मैंने वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को देख लेना तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। उस पर लिखा होगा हाउ टू इंस्टॉल कॉल मी डीजे, तो उस वीडियो को देख लेना, डाउनलोड करने का प्रोसेस तो एक ही है। अब वीडियो को देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आप कैनमास्टर के अंदर इस तरह ये जो रोटेशन वाला क्लिप ग्राफिक आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेना आप, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, फिर उसके बाद आपको जाना है यहाँ से इस पर ऐड करना है 1 नंबर वाला, ठीक है। इसमें देख सकते हो हमने 1 नंबर वाला ऐड कर दिया। फिर अगले इमेज में जाएंगे, फिर क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे, फिर रोटेशन पे वाले क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे, यहाँ से 2 नंबर वाला ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर दिया। उसको तीसरे इमेज पे जाएंगे, क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे और यहाँ से 3rd नंबर वाला ऐड कर देंगे। फिर 4th इमेज पे जाएंगे, क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे, फिर रोटेशन वाले क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे, यहाँ से 4 नंबर वाला ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर अगले इमेज में जाएंगे, फिर क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, फिर यहाँ से 5 नंबर वाला ऐड करेंगे। फिर अगले इमेज में जाएंगे, फिर यहाँ से क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे, फिर रोटेशन पे जाएंगे, फिर यहाँ से 6 नंबर वाला ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगले इमेज पे जाएंगे, फिर क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे, फिर रोटेशन वाले क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे, फिर यहाँ से 7 नंबर वाला ऐड कर देंगे। फिर जो आपका लास्ट इमेज बच जाता है, फिर क्लिप ग्राफिक पे जाना,
रोटेशन वाले क्लियर फिर भी जाएंगे और यहाँ से फिर वन नंबर वाला ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जो आपका थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से बच जाता है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको ट्रिम कर लेना, ठीक है। करने के बाद आपको फिर से स्टार्टिंग पे आना है, यहाँ पर जहाँ से आपका फर्स्ट इमेज स्टार्ट होता है। लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से एक लाइट इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं लाइट इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि मैंने यहाँ से ये वाला लाइट इफेक्ट ऐड कर लिया। इसको क्या करेंगे, यहाँ से फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, नीचे जाना ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे और इसको सिंपली यहाँ से स्क्रीन कर लेना है। और आपको फिर से इस पर क्लिक करना, अगर इसमें कोई ऑडियो होता है तो आपको म्यूट कर लेना, ठीक है। करने के बाद देख सकते हो आपका वीडियो यहाँ तक पूरा एडिट हो जाता है। तो देख सकते हो गाइस आपका पूरा लाइट इफेक्ट जो यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो, जिस तरह से मैंने बताया आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपका बिल्कुल सेम बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए गाइस मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो किस तरह एडिट हुआ है। तो देख सकते हो गाइस हमारा वीडियो यहाँ से काफ़ी अच्छा एडिट हो चुका है। तो आपको कुछ इस तरह से कर लेना, तो गाइस इतना हो जाएगा बाद आपको यहाँ से जाना शेयर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से फुल एचडी पे रख के यहाँ से सेव कर देना, तो आपका वीडियो यहाँ से सेव हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।